हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज अपने इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज पे। हम आज पास करेंगे जनरल एंट्रीज। जैसा कि पिछले सेशन में आपने देख समझा कि किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों को यूज़ करके एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं और फिर हम अपने जनरल एंट्रीज को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ रखा था कि दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में क्या रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट करने के, डबल एंट्री सिस्टम के, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हमारे जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पे होती है ना, डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स एक होगा डेबिट और दूसरा, एक डेबिट मीन्स क्या है, एक डेबिट अकाउंट डेबिट को हिट करेगा, एक अकाउंट क्रेडिट को हिट करेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो जब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, है ना, कितने जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो इम्पैक्ट एटलीस्ट होंगे। एक तो दो इम्पैक्ट में दो अकाउंट को हिट करेगा वो, हर एक ट्रांजेक्शन एक डेबिट को हिट करेगा, एक क्रेडिट को हिट करेगा एटलीस्ट। कभी कभी दो डेबिट एक क्रेडिट, या एक डेबिट दो क्रेडिट भी होता है, या कभी कभी दो डेबिट डेबिट दो क्रेडिट भी होता है, सिचुएशन है। लेकिन अभी हम सिंपल वाले समझेंगे जिसमें सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट हिट करने वाला। हम रूल को लेकर के चलेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच को यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। हम मॉडर्न को भी कभी कभी रेफर कर लेंगे कि मॉडर्न रूल क्या क्या था, उसके हिसाब से क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं फिर अपने, है ना, जनरल एंट्रीज में पास करते हैं। ये हमारा सिचुएशन है, एक बिजनेस कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उसको देखेंगे। और हमने यहाँ पे सोल्यूशन, है ना, ऑलरेडी अकाउंट जनरल एंट्री पास कर रखा है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, आप कम टाइम में चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो हम लेते हैं पहले अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को, पहले ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि कैलाश इज अ ट्रेडर डीलिंग इन ऑटोमोबाइल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पास जनरल एंट्री फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। तो ये इतने सारे ट्रांजेक्शन कैलाश के बिजनेस में हुए हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स में ट्रेड कर रहा है, मीन्स ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स सेल करता होगा। तो देख लेते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है। पहला बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलता है ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, देखिए ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब भी जर्नल एंट्री पास करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहला काम क्या होगा ना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो अकाउंट हिट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, दो अकाउंट हिट आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक को डेबिट और एक को क्रेडिट होना है। उसके बाद फिर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। कैटेगरी मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच से चले तो ये पर्सनल अकाउंट वाला है, नॉमिनल अकाउंट वाला है, या रियल अकाउंट वाला है ना। डेबिट क्रेडिट दो होंगे, कोई एक पर्सनल होगा तो हो सकता है दूसरा भी पर्सनल हो या दूसरा नॉमिनल हो, इस तरीके से, है ना, कुछ भी हो सकता है। बस उस आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कैटेगरी में ये फॉल करने वाला है, दूसरा स्टेप ये हो गया। ठीक, और तीसरा स्टेप करेंगे कि हम किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे वो समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मीन्स एक तो हमारा दिख रहा है कि एक कैश है, क्योंकि बिजनेस से पैसा आ रहा है, बिजनेस से पैसा आ रहा है तो कैश है, कैश में ही तो आएगा ना पैसा। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश लाते हैं, फिर उससे चीज़ें खरीदते हैं, तो कैश आ गया। दूसरा आ गया, ये सब तो कोई टर्म होता नहीं है, अकाउंट्स है नहीं, ये है जैसे ही है यहाँ पे, ही मीन्स कैलाश। तो ही क्या है, पर्सनल अकाउंट, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से चले तो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर कैलाश इज द गिवर, दे रहा है ना। बिजनेस में पैसा कौन लगा रहा है, अपने बिजनेस अपने ही बिजनेस में लगा रहा है। बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड बिजनेस मैन इज सेपरेट थिंग। तो बिजनेस मैन से बिजनेस को अलग कर दिया, जिसका मतलब बिजनेस मैन बिजनेस से पैसा लगा रहा है तो वो क्या है, गिवर। लेकिन हम जानते हैं कि जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा होता है उसके बुक में, उसके अकाउंट्स वाले बुक में कभी भी हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। जैसे ये नहीं लिख सकते हैं कैलाश अकाउंट, क्योंकि कैलाश का ही बिजनेस है वो, तो उसके जगह पे एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी हम जानते हैं, जो कि पिछले सेशन में हमने कर रखा है ना। डिटेल जानना हो तो मैं लिंक में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं उसमें, है ना। तो उसमें क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं कैपिटल। इस केस में क्या होता है, कैपिटल। वही सी बात है, जब हम पता है हमें जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैपिटल लगता है, पूंजी लगता है, कि वो कैपिटल एक्चुअली में क्या है, अकाउंटिंग टर्म के हिसाब से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो कैपिटल क्या है एक्चुअली में। दैट कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव,
वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओनर को, इन दिस केस कैलाश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कम्स इन हाँ, और कैपिटल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, ये है अपना गीवर है ना, गीवर है ना, समझे, ये क्या हो गया गीवर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे हम क्या, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया, समझे है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं तो बोलता है ही सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम एपेक्स इंटरप्राइजेस, एपेक्स इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे दो अपने अकाउंट्स, कौन से पहले दो, पहला स्टेप तो ये है कि आइडेंटिफाई करेंगे कौन से दो अकाउंट्स हैं। तो हमारा एक तो दिख रहा है कि एपेक्स इंटरप्राइजेस एक अकाउंट है, और दूसरा क्या है परचेज। क्यों, ये दो ही क्यों है, गुड्स कोई अकाउंट्स नहीं होता, फ्रॉम कोई अकाउंट्स नहीं होता है, ये अमाउंट कोई अकाउंट्स नहीं होता है। परचेज जो बिजनेस, जिस चीज़ में बिजनेस कर रहे होते हैं उस चीज़ को खरीदना, यहाँ ऑटोमोबाइल में डील कर रहा है ना कैलाश, तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को खरीद रहा होगा वो, दैट इज कॉल्ड परचेज। तो परचेजेज अकाउंट बोलते हैं उसको। परचेज अकाउंट एक क्या है, एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, तो खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, याद करें तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है, तो हमने कर लिया है डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख का है। और यहाँ पे क्या है, एपेक्स किससे खरीद रहे हैं, एपेक्स इंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पे एपेक्स इंटरप्राइजेस ये पर्सनल अकाउंट नाम है, पर्सनल अकाउंट है ना, रिप्रेजेंटेड ये कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सन है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये गिवर है, दे रहा है, वही तो दे रहा है ना सामान हमें, कैलाश को कौन दे रहा है, एपेक्स इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गिवर, पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्या बोलते हैं, आप कर दें क्रेडिट, तो हमने कर दिया क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हाँ राइट। अब चलते हैं हम थर्ड वन पे, सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, बेचा। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे दो अकाउंट, एक तो नाम वाला दिख रहा है तो हम पहले ये कर लें, ठीक, और सोल्ड गुड्स, एक सोल्ड है, जिस तरीके से परचेज होता है ना उसी तरीके से सोल्ड होता है, परचेज परचेजेस के लिए होता है, सोल्ड किसके लिए होता है, इसको अगर हम देखें तो सेल के लिए होता है, ये सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है, ऑल इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट, तो सेल क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट करने की बात आ रही है, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है, देव एंड कंपनी, हम किसको बेच रहे हैं, देव एंड कंपनी को। यहाँ पे देखिए कैश नहीं लिखा है, मीन्स इस दोनों में केस में देखेंगे ना कैश वर्ड नहीं है इसका, और नाम यूज़ किया है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि कैश वर्ड ना यूज़ किया हो, कैश या बैंक है ना वर्ड यूज़ ना किया हो और नाम यूज़ किया हो, इसका मतलब वो पर्टिकुलर नेम जो है आइदर वो है ना गिवर है या रिसीवर है। इस केस में वो गिवर था, तो इस केस में क्या है, ये रिसीवर, रिसीवर है, और रिसीवर होगा तो क्या कर लेंगे इसको हम, गिवर है ना, तो ये हम कर लेंगे डेबिट। तो डेबिट क्या कर लिया, देव एंड कंपनी को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, और सेल को कर दिया क्रेडिट। क्यों, क्योंकि सेल इज इनकम, नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम को क्रेडिट कर लीजिए। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे, पेड सैलरी टू अ स्टाफ। अब यहाँ पे क्या है, पेड सैलरी, एक तो एक्सपेंस है, क्या है ये, सैलरी एक अकाउंट है, सैलरी क्या है ये दिस इज एक्सपेंस है ना, बिजनेस करते हैं तो स्टाफ रखते हैं, स्टाफ रखते हैं तो उसको सैलरी देनी होती है, तो एक्सपेंस सैलरी टू अ स्टाफ है ना। तो एक तो आइडेंटिफाई हो गया, दूसरा क्या, पेड, पेड जब भी हो गया ना इसका मतलब ये क्या है, ये सॉरी ये क्या है, कैश, ये कैश में है, मतलब पे कर दिया है, कैश दे दिया है, बिजनेस से कैश चला गया है, किस चीज़ के लिए गया है, सैलरी के लिए गया है, सैलरी पे किया है, किस फॉर्म में किया है, कैश फॉर्म में किया है। तो हमने लिख दिया सैलरी को डेबिट किया, क्यों, सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है अपना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे, तो हमने कर लिया भाई डेबिट, ठीक है ना। अब हम चलते हैं
है ना, कि हमने कैश को क्रेडिट किया यहाँ पे। क्यों किया कैश को क्रेडिट? क्योंकि बोल हमारे यहाँ से कैश पेड कर दिया ना, बिजनेस से कैश चला गया। रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट गोज आउट को आप क्रेडिट कर लीजिए। तो हमने कर लिया भाई क्रेडिट, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ पे इन के लिए किया था डेबिट, जाने के लिए कर लिया हमने क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, पेड टू एपेक्स इंटरप्राइजेस। फिर से बस यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है हमारा एपेक्स इंटरप्राइजेस। यहाँ पे था ना एपेक्स इंटरप्राइजेस, सॉरी इसको कर ले, इंटरप्राइजेस क्या किया, पेड किया है ना। फिर से ये पेड आ गया कैश, ये आ गया हमारा कैश पे किया गया होगा, पेड कर लिया है। यहाँ पे क्या है, ये पे किया है, तो इसने ही इसको ही पे किया होगा ना। क्यों? क्योंकि हमने खरीदा था इसे उधार पे, परचेज किसे किया था, यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे उसको पे कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये रिसीवर पर्सनल अकाउंट है, नाम है पर्सनल अकाउंट रिसीवर, रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट। तो हमने कर लिया अपेक्स इंटरप्राइजेस को डेबिट, और कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट बोलता है, कर लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, रिसीव चेक फ्रॉम देव एंड कंपनी। अब देखेंगे देव एंड कंपनी को हमने यहाँ पे क्या है, उधार पे बेचा था ना, ऑन क्रेडिट पे बेचा था। अब वो पैसा दे रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, वो यहाँ पे चेक चेक दे रहा है। कौन दे रहा है, एक तो पहले आइडेंटिफाई कर लें दो अकाउंट, देव एन कंपनी यहाँ पे क्या है, वो दे रहा है ना, किससे रिसीव कर रहे हैं, देव एन कंपनी से, तो दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गिवर क्रेडिट, हमने कर लिया गिवर क्रेडिट देव एन कंपनी को, और आ रहा है क्या रिसीव्ड, है ना, क्या हो रहा है कैश। और कैश के लिए हम यूज करते हैं टर्म, सॉरी चेक है, चेक के लिए करते हैं हम बैंक अकाउंट, बैंक चेक को हम चेक अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो बैंक आ गया, ठीक है ना। आए हमारे पास कैश आता था तो हम क्या व्हाट कम्स इन लिखते थे, उसी तरह के बैंक में हम ये कर सकते हैं कि बैंक क्या है, मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट एक बैंक में क्या पैसा जमा करते हैं, तो एसेट ही होता है ना वो हमारा, तो एसेट है वो, व्हाट कम्स इन कर लिया, यहाँ पे ऐसे समझ लेंगे हम, वॉट कम्स इन, वॉट कम्स इन, ठीक है, वॉट कम्स इन आ गया, उसको क्रेडिट कर लिया। क्यों, गिवर है। अब नेक्स्ट चलते हैं 22nd वाले में, फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। तो एक को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये नेम है ना, फर्नीचर मार्ट एक नाम है ना, ठीक है। ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल बट आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये क्या है, यहाँ पे इसे खरीद रहे हैं, मतलब ही इज द गिवर, ये गिवर, इट इज अ गिवर, तो गिवर है ये, गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, फर्नीचर मार्ट को कर लिया क्रेडिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, इसमें आ गया परचेज, इस यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जैसे परचेज को एक अकाउंट बोला था हमने परचेज अकाउंट, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे बच्चों, यहाँ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, एक एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट ज़रूरी होता है बिजनेस चलाने के लिए, है ना। तो एसेट परचेज कर रहे हैं, जिसका यूज़ हम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जितनी उसकी लाइफ है उतना हम करने वाले हैं उसका यूज़, बिजनेस उसका यूज़ करेंगे, उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए ये एसेट है। तो यहाँ पे परचेज नहीं आएगा, जब भी एसेट की बात आएगी तो वो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट को हिट करने वाला है। तो यहाँ पे ये आ गया फर्नीचर अकाउंट, एसेट अकाउंट एक है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन, ये भी तो एसेट है ना, तो बोलता है व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आ रहा है बिजनेस के अंदर उसको डेबिट कर लीजिए, हमने कर लिया डेबिट फर्नीचर अकाउंट को। उसके बाद फिर गिवर है, वो भी तो हमने क्रेडिट कर लिया, ये पे क्या कर लेंगे इसको हम, ये कर लेते हैं कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन हो रहा है, डेबिट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं पेड टू फर्नीचर मार्ट,
अब यहाँ पे क्या बताता है, ये क्रेडिट पे है, क्यों? क्योंकि नाम था, कैश तो था नहीं, तो क्रेडिट पे था। अब यहाँ पे बोला पेड टू फर्नीचर मार्ट, मीन्स यहाँ पे फिर से अकाउंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एक तो आ रहा है फर्नीचर मार्ट, है ना, यहाँ पे, और एक आ रहा है पेड। जब भी पेड वर्ड आएगा तो पेड ही वाला होगा, क्या होगा वो? कैश होगा या बैंक, जो भी होगा। और यहाँ पे तो लिख दिया है इन कैश, ये हम इन कैश यहाँ हटा लेते हैं, इन कैश नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोलेंगे पेड टू फर्नीचर मार्ट 15,000। तो फर्नीचर मार्ट को पे किया क्या, क्या कैश में पे किया होगा, कैश ही तो गया होगा ना, तो कैश गया होगा तो क्या होगा, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, गोज आउट हो गया। फर्नीचर मार्ट यहाँ पे क्या है, रिसीवर है ना, हमने कैश किसको दिया, कैलाश ने कैश किसको दिया, फर्नीचर मार्ट को, रिसीवर डेबिट, तो हमने कर लिया फर्नीचर मार्ट को डेबिट, डन। नेक्स्ट आते हैं पेड कमीशन ऑफ ₹2,000 कमीशन। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन 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 से अकाउंट हैं, एक तो कमीशन इस क्या है, कमीशन ये है, क्या होता है, ये होता है हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस, क्योंकि जब कुछ खरीदते हैं बिजनेस में तो बहुत बार क्या होता है, किसी कमीशन एजेंट के थ्रू खरीदते हैं तो वो कम से कमीशन मांगता है, तो वो कमीशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे तो ऑल एक्सपेंसेस को क्या कर लेते हैं, डेबिट, तो हमने कर लिया कमीशन अकाउंट को डेबिट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट कौन सा हिट कर रहा है, पेड, ये देखिए पेड है ना, अगेन पेड वर्ड है, तो क्या हो गया, कैश, और कैश पेड किया बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, तो कर लिया हमने टू कैश अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी फॉर ₹45,000। अब यहाँ अगेन यहाँ पे बड़ा सिंपल है, फिर से नाम आया है, पर्सनल अकाउंट है ये, यहाँ पे क्या है, हमने सोल्ड, ये याद करें सोल्ड, सोल्ड क्या होता है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट है ना, तो सेल्स अकाउंट, और तो दो आइडेंटिफाई कर लिए, एक सेल्स अकाउंट और एक विराट एंड कंपनी अकाउंट, ठीक। विराट एंड कंपनी अकाउंट यहाँ क्या है, सेल कर रहे हैं किसको, विराट एंड कंपनी को, देखिए यहाँ कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब नाम आ गया, उधार पे बेच रहे होंगे, तो यहाँ पे विराट एंड कंपनी क्या है, हमने बेचा उसने खरीदा, रिसीव किया, तो रिसीवर, रिसीवर विराट एंड कंपनी, डेबिट द रिसीवर, हाँ पर्सनल, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, विराट एंड कंपनी को डेबिट कर लिया। और सेल क्या है, हमारा इनकम है, हमारा इनकम है, इनकम है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिट कर लीजिए, तो हमने कर लिया है क्रेडिट सेल्स को, डन, समझ गए, ठीक है, बढ़िया से, हाँ इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, है ना, कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, है ना, फिर से रिकॉल करते हैं, है ना, रिवाइज करते हैं कि क्या करना, जब जी ज्योमेट्री पास करेंगे हर एवरी ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे, और सबसे पहला स्टेप करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो अकाउंट हैं जो उस एक डेबिट और क्रेडिट होना है पहले, तो वो फिर देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है, पर्टिकुलर डेबिट या क्रेडिट, रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में या नॉमिनल अकाउंट में, और फिर अकॉर्डिंगली इसको हम उसकी एंट्री पास करेंगे कि किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं। रूल से चलेंगे तो बहुत ईजी है, आप ट्रेडिशनल अकाउंट अप्रोच से भी लेके चल सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच से भी लेके चल सकते हैं, ठीक है ना, किसी से भी लेके चलेंगे, दोनों से भी लेके चलेंगे, है ना, फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना अपनी जो जनरल एंट्री है वो बिल्कुल सही पास होगी, ठीक है ना। आज के लिए रखते हैं इतना ही, है नेक्स्ट सेशन में हम और दो तीन एग्जाम्पल्स करेंगे चीज़ों को, और अपने है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक। होप कि आपको ये सेशन फनी भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी आपकी, ठीक है, तो फॉर टिल नेक्स्ट सेशन, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय।